अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय डीप थॉट्स। आज की वीडियो में हम उन 30 चीज़ों का जिक्र करेंगे, उन मुसीबतों का जिक्र करेंगे जिनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 30 चीज़ों से मुख्तलिफ मकामात पर पनाह मांगी है। नंबर एक, कमज़ोरी और नातवाई से। नंबर दो, सुस्ती से। नंबर तीन, बुजदिली से। नंबर चार, बुखल से। नंबर पाँच, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे से। नंबर छः, दिल की सख्ती से। नंबर सात, गफलत से। नंबर आठ, मुफलिसी से। नंबर नौ, जिल्लत से। नंबर 10, मस्कनत से। नंबर 11, फ़क्र से। नंबर 12, कुफर से। नंबर 13, शिर्क से। नंबर 14, फिस्क व फुजूर से। नंबर 15, आपस के इख्तिलाफ से। नंबर 16, निफाक से। नंबर 17, नाम व नमूद से। नंबर 18, दिखावा करने से। नंबर 19, बहरेपन से। नंबर 20, गुंगा होने से। नंबर 21, पागलपन से। नंबर 22, जुजाम की बीमारी से। नंबर 23, बरस से। नंबर 24, कर्ज के गालिब हो जाने से। नंबर 25, नेमत के जाइल होने से। नंबर 26, आफियत के चले जाने से। नंबर 27, अचानक अल्लाह की सज़ा से। नंबर 28, अल्लाह की नाराज़गी से। नंबर 29, औरत के फितने से। नंबर 30, दज्जाल के फितने से। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इब्ने सैयद दज्जाल के मुताल्लिक एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसको जाकर ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।